हेलो व्यूअर्स, फ्रेंचाइजी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपोलो डायग्नोस्टिक की फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है उसके बारे में आपको डिटेल दूंगा। जैसा कि आपको पता होगा, अपोलो जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है मेडिकल सेक्टर में, और इनके जो हॉस्पिटल्स हैं और इवन जो डायग्नोस्टिक सेंटर, ये ऑल ओवर इंडिया में हैं और सारी सिटीज़ में हैं। से काफ़ी एक बड़ी कंपनी है। तो कंपनी जो है अभी अपने डायग्नोस्टिक सेंटर की फ्रेंचाइजी जो है वो ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जैसे कि अगर आप इनके वेबसाइट पे जाते हैं, इनके वेबसाइट जैसे है apollodiagnostics.in, तो उस पर आपको टॉप में एक ऑप्शन आता है फ्रेंचाइज इंक्वायरी। आप फ्रेंचाइज इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको सारा डिटेल दिया जाता है कि अगर आप एक इनका डायग्नोस्टिक सेंटर खोलते हैं तो क्या क्या, जैसे कि तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके कितने खर्चे होंगे, कंपनी आपको क्या सपोर्ट करेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो देखिए, कंपनी के अभी करीब 100 से ज़्यादा सेंटर्स हैं अक्रॉस दी कंट्री, और ये जो है आपको पूरा सेटअप करने में, आपको मार्केटिंग में, बिजनेस एक्सपेंशन में, आप अपने मंथली टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, उन सब में आपकी मदद करती है। और ये लोग जो है जो आपका कमीशन है वो आपको अच्छा कमीशन देते हैं, आपको 40% से लेके 80% तक जो है टेस्ट में आपको कमीशन ये लोग देते हैं। तो जैसे कि अभी आपका इसमें रिक्वायरमेंट है कि आपका जो होना चाहिए एरिया शॉप का, वो 180 मिनिमम होना चाहिए। तो उसमें एक ये हो जाता है कि आपको विथ बाथरूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें आपको बाथरूम की ज़रूरत पड़ती है। तो 180 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए और विथ बाथरूम। अब करीब करीब जो इनका खर्चा है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा आ जाता है। तो जैसे कि अभी आप वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर देना पड़ेगा, प्रिंटर देना पड़ेगा, आप चाहें तो उसमें आप टीवी लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, एक बेसिक ऑफिस टाइप का एक सेटअप आपको रखना पड़ेगा प्लस बाथरूम। तो उसमें 3 लाख, या अगर आप कुछ चीज़ें अगर आप उसमें से माइनस करते हैं, जैसे कि बैंगलोर में आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप किसी ठंडे जगह पर हैं तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो वाला खर्चा आपका बच जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप प्रिंटर वगैरह ऑलरेडी है या कंप्यूटर प्रिंटर ऑलरेडी है, तो वो सारे खर्चे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी क्या करती है कि कंपनी आपका एक आउटलेट खुलवा देती है। अगर आप मान लीजिए कि मेडिकल सेक्टर से हैं, या अगर आप बिजनेस सेक्टर से भी हैं, तो आप इसको एज अ बिजनेस ऑप्शन ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा चलेगा। तो अब कंपनी क्या करती है, देखिए कंपनी जो है आपको सारे जितने भी आपको उसमें मार्केटिंग सपोर्ट कंपनी देती है, बिजनेस डेवलपमेंट में कंपनी आपको हेल्प करवाती है, एक डेडिकेटेड सेल्स टीम रहता है, फिर जितने भी कंज्यूमेबल्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स जैसे कि जितने बॉटल्स होंगे या टेस्ट के लिए बॉटल्स जो रहते हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर वगैरह सारी कंपनी प्रोवाइड करती है, लॉजिस्टिक सारा कंपनी का रहता है। जैसे मान लीजिए कस्टमर अपना ब्लड सैंपल देके गया, तो अपोलो डायग्नोस्टिक से ही बंदा आके उस ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके लेके जाएगा, अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में देगा, और वहाँ से आपको रिपोर्ट जो है आपके सॉफ्टवेयर पे भेज दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट जनरेट करके कस्टमर को या पेशेंट को जो है उसको आपको दे देना है। देखिए, जब आप इसमें आते हैं तो आप डिटेल तो देख ही सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पर जाके आप डिटेल भी चेक कीजिएगा। फिर देखिए, इसमें एक इंक्वायर फॉर्म है, तो इंक्वायर फॉर्म में अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आप क्या लेना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें आप एक पिकअप पॉइंट आप डाल दीजिए, ठीक है, तो पिकअप पॉइंट जो है आप डाल दीजिए और यहाँ पे अपना मैसेज अपना लिख के कि भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ करने में, आप ऐसा करके सबमिट कर दीजिए। तो फिर जो है कंपनी के लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और फर्दर प्रोसेस आपको बताएंगे। अब आपका दूसरा एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको किस लोकेशन में ओपन करना चाहिए, तो सी लोकेशन जो है आपका मेन मार्केट में ले लीजिए, या किसी हॉस्पिटल के पास ले लीजिए, या किसी क्लिनिक के पास ले लीजिए, जहाँ पे कि आपको अच्छा मार्केट जो है वो मिल सके। मंथली आप अगर आप शॉप है तो उसका रेंट देंगे आप, और जिस एक मेडिकल स्टाफ को आप रखेंगे तो उसके भी आपको मंथली खर्चे आपको बियर करने पड़ेंगे, लेकिन आपको कमीशन अच्छे मिलेंगे। तो जो है आप उसमें आराम से जो है आप 50,000 रुपये तक तो आप आराम से कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, तो मान लीजिए अगर इनकी वेबसाइट पर अगर कोई कस्टमर आके बुकिंग करता है
और वो आपके पिन कोड के अंदर कॉल होता है तो उसका कमीशन भी आपको ही आएगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, कस्टमर जो है वो वेबसाइट पे बुक करेगा, अपोलो डायग्नोस्टिक की टीम जाके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगी, लेकिन कमीशन आपको आएगा क्योंकि वो आपके एरिया के अंडर कॉल होता है। तो ये जो ऑप्शन है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 3-4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप कैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उसके बाद जो है आप इसमें 50,000 तो आप सारे खर्चे निकाल के भी कम से कम कमा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।